जी तोसिफ भाई, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कि जो गोश्त जुबा के बाद जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो उसके मुस्ताहिक है तो रिश्तेदार होंगे, गरीब रिश्तेदार वो रहेंगे। बहुत दफा ऐसा होता है कि घर पे मांगने के लिए भी नॉन मुस्लिम भी आते हैं, तो उनको देना जायज है या अपने गरीब रिश्तेदारों को पहुंचाना जरूरी है? देखिए, कुर्बानी के गोश्त का तीन मसरफ होता है, जो इससे पहले भी मैं जिक्र किया हूँ। एक तो ये कि उसको खाना, और दूसरा ये है कि उसको लोगों को देना, चाहे बना करके पका करके लोगों को खिलाएं या ऐसे ही लोगों को सदका करें। और तीसरा होता है कि उसको स्टोर करके रखना कि हम बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो तीनों चीजें हैं, खाना या उसको स्टोर करके रखना, ये जायज है। आप ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा मसरफ है, सदका, सदका करना सही कौल के मुताबिक वाजिब है, और कम से कम इतना सदका आपको करना है, गोश्त का इतना हिस्सा जिसको सदका कहा जा सकता हो। और वो सदका आप किसी गरीब और मिस्कीन को भी दे सकते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो तब भी, रिश्तेदार नहीं है तब भी, या आप किसी और को भी दे सकते हैं, क्योंकि सदका जो है ये किसी को भी दिया जा सकता है। और आपने कहा कि गैर मुस्लिम जो मांगने के लिए आते हैं, तो क्या गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है वो, लेकिन बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं जो शराबी और इस तरह के बहुत सारे आदतें उनके अंदर होती हैं। अगर आपको मालूम है ऐसे किस्म का आदमी है और ले जाकर के मेरे गोश्त का ऐसा इस्तेमाल करेगा, तो उसको ना दें आप।